In previous chapter of science, we have studied about living and non-living things, isn't it? And now we are already known about this fact that plants are also living things, same as animals and microorganisms. In this chapter, we will study about different parts of plants, and we will also study functions of different parts of plants. मीन्स हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर पे. और क्या पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट प्लांट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है प्लांट के लिए. ओके, वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू रिमेंबर एंड रिवाइज दैट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि हर्ब्स होते हैं, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज. लुक एट द पिक्चर गिवन हियर, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज, इट इज हर्ब. क्या है ये, दिस इज हर्ब बिकॉज इट इज स्मॉल साइज प्लांट. ना छोटा सा पौधा है, जो स्मॉल साइज प्लांट होते हैं हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्ब. देन द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्लाइंबर. क्लाइंबर मीनिंग जो पौधे क्लाइंब करके ऊपर बढ़ चढ़ते हैं और अपने आप को ग्रोथ देते हैं, अपने ग्रोथ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स. सच एज मनी प्लांट, अगर आपने देखा होगा मनी प्लांट कैसे बड़ा होता है, ऊपर की तरफ जाता है और फिर अपनी ग्रोथ को देता है. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ श्रब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रब, श्रब मीन्स मीडियम साइज प्लांट. ये ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं. जैसे कि रोज का प्लांट अगर आपने देखा हो तो कौन सी कैटेगरी पे फॉल होगा, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ श्रब्स. एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ ट्री. ट्री कैसे पौधे होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं, दे आर बिग प्लांट्स. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. सम ऑफ देम आर हर्ब्स, सम ऑफ देम आर क्लाइंबर्स, सम ऑफ देम आर श्रब्स एंड सम ऑफ देम आर ट्रीज, वेल सम ऑफ देम आर क्रीपर्स. ओके, अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स. The different parts of a plant perform different functions. किसी भी पौधे के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं. ऑलरेडी आपने ये चीज़ कल पढ़ ली है, ऑलरेडी यू हैव गिवन दिस पिक्चर ना, यू हैव बीन गिवन एंड प्रोवाइडेड दिस पिक्चर. सो इन दिस पिक्चर वॉट वी आर सीइंग दैट देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर इज देयर, लीव्स आर देयर, देन आफ्टर फ्रूट इज हियर, सीड कहाँ पे होगा, विद इन फ्रूट सीड विल बी देयर, स्टेम and these are the roots. So these are the parts of plants. The different parts of a plant are roots, stem, leaves, flower, fruit and seed. इतने plant होते हैं, इतने हिस्से होते हैं किसी भी पौधे के. Let us study about each part in detail. चलिए हर एक part के बारे में detail से हम study करते हैं. The part of a plant which lies under the ground is called the root. So the very first part of a plant about which we are going to study is roots. Root कौन सा हिस्सा होता है, किसी भी ऐसे पौधे कोई भी ऐसा part, कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि ground के अंदर हो, which can not be seen, जो हम देख नहीं सकते, हमें दिखाई नहीं देता, because वो hidden होता है. कहाँ पर छुपा हुआ होता है root, कहाँ पर होता है, ground के अंदर होता है, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, root. जब भी कभी seedling से sapling convert होता है, जब सीड से कभी सैपलिंग जनरेट होता है, सैपलिंग जब बनता है, छोटा नन्हा पौधा बनता है सीड को ग्रो को सो करने के बाद, तो सीड में दो तरफ से बेटा ग्रोथ होती है. लेट मी शो यू, सपोज दैट ये आपका सीड है ना, तो सीड दो तरफ से बढ़ेगा, एक तो ग्राउंड के नीचे डेवलपमेंट होगा और एक उसका डेवलपमेंट ग्राउंड के अपर डायरेक्शन पे होगा. तो जो पार्ट नीचे की तरफ डेवलप हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज रूट सिस्टम. And the part which is growing upright, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी से branches आ रही हैं, stems आ रही हैं, then after उसमें leaves आ रही हैं, उसमें flower आ रहा है, then उसमें fruit generate हो रहा है. तो ये सारे जो part होते हैं, that these are the parts of shoot system. किसका part होते हैं, ये shoot system का part होते हैं. तो shoot system is consist of branches, stems, trunk, fruit, flower, leaves, etc. Okay, buds also. एंड रूट सिस्टम कहाँ पर डेवलप होता है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है. ठीक है, रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टैप रूट और सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट.
टैप रूट्स, सम प्लांट्स हैव वन थिक मेन रूट, किसी किसी प्लांट्स में वन एक ही थिक मतलब मोटी मेन रूट होती है, मुख्य जड़ होती है उसके अंदर, विच ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। ये देखिए पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपकी स्टेम है, ये आपका जो अपर ग्रोथ है प्लांट का, ये स्टेम है। तो स्टेम का जो एंड है वो कहाँ पर है, ये इसका एंड है। एंड के ही नीचे लोअर डायरेक्शन पे क्या ग्रोथ हो रहे हैं, किसकी ग्रोथ हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है। तो जो टैप रूट होती हैं ये लोअर एंड से, स्टेम के लोअर एंड से जनरेट होती हैं और डाउन टूवर्ड्स अर्थ की तरफ जाती हैं, है ना। और ये कैसी होती है टैप रूट, दे आर थिक, ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं। मैनी स्मॉल थिन हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। अब इसी मोटी सी रूट से देखो बहुत सारे हेयरी एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, सम हेयर्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस मेन रूट। सो इसी मेन रूट से, इसी जो मेन हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, टैप रूट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन रूट। एंड इसी से कुछ पर्टिकुलर रूट्स और निकलती हैं, जनरेट होती हैं, कुछ उसमें हेयर निकल के आते हैं, कुछ माइनर रूट्स और जनरेट होती हैं, बट होती कहाँ से है, फ्रॉम दिस मेन सेक्शन, एंड दिस मेन सेक्शन ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। नाउ लेट अस सी विच पर्टिकुलर प्लांट्स आर हैविंग टैप रूट्स, कौन कौन से प्लांट्स में टैप रूट होता है, मैंगो में, हिबिस्कस पे, पीपल पे, नीम पे, इन सारे पौधों पे, इन सारे ट्रीज और प्लांट्स में कैसे रूट होती है, टैप रूट पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट काइंड ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, देखो यहाँ पर इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, इस पर्टिकुलर वर्ड में फाइब्रस में फाइबर, फाइबर मतलब रेशा, बारीक बाल की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो फाइब्रस रूट होते हैं उसमें टिनी, ये बहुत सारे सेवरल टिनी रूट से मिलकर बना होता है, सम प्लांट्स हैव सेवरल टिनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। देखो रूट का हमेशा जनरेशन कहाँ से होगा, रूट कहाँ से जर्मिनेट होगी, कहाँ से ग्रोथ करेगी, फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के सबसे निचले हिस्से से रूट उगना स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जो रूट बहुत सारे संख्या में निकल के बाहर आए, सेवरल टिनी रूट्स अगर बाहर निकल के आती हैं, टिनी रूट्स मतलब स्मॉल स्मॉल रूट्स, छोटे छोटे रूट्स, बहुत सारी इन अ बल्क अगर निकल के आती हैं, तो कौन सी रूट होती हैं, दे आर कॉल्ड एज, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स। कौन कौन से प्लांट से फाइब्रस रूट पाई जाती है, पैडी, अनियन, वीट, मेज, इन सभी प्लांट्स में कौन सी रूट होती है, दे कंटेन फाइब्रस रूट्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, रूट करता क्या है भाई, ये तो प्लांट्स का हिस्सा तो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लांट, बट वॉट फंक्शन डज इट परफॉर्म, ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, लेट अस सी। द फर्स्ट पॉइंट इज रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, है ना, उसको फॉर्मली होल्ड करना, मिट्टी से उसको जोड़ के रखना, सॉइल पे उसको फॉर्मली अटैच रखना, फॉर्मली मतलब मजबूती से। तो कभी भी प्लांट मजबूती से खड़ा क्यों रहता है सॉइल के अंदर, बिकॉज उसको रूट ने होल्ड किया होता है, उसको प्रॉपरली वो क्लच रखता है, सॉइल से उसको बाइंड अप करा के रखता है पौधे को। रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देखो सॉइल में बच्चों क्या होता है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, कुछ तो बहुत नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, कुछ हम आर्टिफिशियली उसमें ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, वी यूजुअली ऐड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स द सॉइल। तो ये सारे मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं, और जब हम पानी डालते हैं किसी पौधे पे, तो बताइए कहाँ पे डालते हैं, लीव्स में डालते हैं कि सॉइल में डालते हैं, ये सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल में जो हमने पानी डाला, वाटर, जब हम वाटरिंग करते हैं किसी प्लांट को, तो हम कहाँ पे करते हैं, जनरली वी वाटर एनी काइंड ऑफ प्लांट ऑन इट्स सॉइल, उसके सॉइल में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी में मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, और वो डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वो डिजॉल्व पर्टिकुलर वाटर, डिजॉल्व मिनरल का वाटर एज अ न्यूट्रिएंट कौन अब्जॉर्ब करता है पूरे पौधे के लिए, कौन ऊपर लेके जाता है, रूट्स लेके जाता है। तो रूट क्या करता है, इसका मेन सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एज वेल एज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से क्या क्या एब्जॉर्ब करता है पौधे के लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हियर, पोषक तत्व,
देन आफ्टर वाटर एब्जॉर्ब करता है, अलॉन्ग विथ वाटर इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मिनरल्स. ओके, थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द रूट्स आर रूट्स इज रूट ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड. कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें फूड स्टोर होता है. इसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, आपको बताया है कि बहुत सारे पार्ट ईडेबल पार्ट्स होते हैं, मतलब कि पौधे के बहुत सारे हिस्से हम खाते हैं. कुछ पौधों के हम लीव्स खाते हैं, कुछ पौधों के हम रूट्स खाते हैं, कुछ के हम स्टेम्स कंज्यूम करते हैं. तो देर आर मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर ईडेबल, जो ईडेबल होती है ना, खाने योग्य होती हैं. तो कुछ इसमें ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ और प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स ईडेबल होती हैं, क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है उनमें? फूड स्टोर होता है. वी ईट दीज टाइप्स ऑफ रूट्स, फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश. देखो कैरेट और रेडिश जो आप खाते हैं वो क्या है? अल्टीमेटली दैट इज रूट. वो है क्या? वो रूट है जो हम खाते हैं, है ना. दे कंटेन स्टोर्ड फूड इन दम. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम. स्टेम के बारे में हम स्टडी करेंगे. द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम. वो हिस्सा पौधे का जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ ग्रोथ लेगा दैट इज कॉल्ड एज स्टेम. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये पौधे को सीधा रखता है, इरेक्ट रखता है. स्टेम किसी भी पौधे को इरेक्ट रखता है. इरेक्ट मतलब एकदम स्ट्रेट, अपराइट रखता है. और रूट से सारा का सारा मिनरल और वाटर कैरी करता है, उससे लेता है, कैरी करके कहाँ पर लेके जाता है? प्लांट्स के अंदर पार्ट्स में, जैसे कि अप टू द लीव्स, अप टू द ब्रांचेस, अप टू द लीव टिप, अप टू फ्लावर, अप टू द फ्रूट. ओके, तो सारा वाटर सारा मिनरल वो कहाँ पर लेके जाता है, कहाँ पर कैरी करके लेके जाता है? टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, द स्टेम ऑफ द ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक, इट इज कॉल्ड एज द ट्रंक. ऐसी स्टेम किसी भी ट्री की, ट्री क्या होते हैं? बिग प्लांट्स होते हैं. तो ट्री की जो स्टेम्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रंक. उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रंक. लुक एट द पिक्चर हियर, ये ट्रंक है. कितनी स्टेम इसकी, देखो स्टेम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, थिक दिखाई दे रही है, मोटी दिखाई दे रही है. तो ये क्या है? दिस इज अ ट्रंक. इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रंक. द स्टेम ऑफ अ श्रब इज वुडी एंड थिनर दैट देन दैट ऑफ अ ट्री. ट्री के कंपैरिजन पे श्रब की जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, लकड़ी की तो होती है बट थिनर होती है, थोड़ी दुबली होती है. बेसिकली जो स्टेम ट्रीज की होती है वो थिकर होती है, मोटी होती है, और श्रब्स की जो स्टेम होती है वो थिनर होती है, दुबली होती है, पतली होती है एज कंपेयर टू ट्री स्ट्रंक. ऑन द अदर हैंड द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स आर वीक, सॉफ्ट एंड ग्रीन. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि जो ट्रीज की कैटेगरी होती है बहुत सारी होती है ना, प्लांट की कैटेगरी बहुत सारी होती हैं. सो जैसे प्लांट जो बड़े पौधे हैं, जो बिग प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज ट्री, और जो मीडियम साइज्ड प्लांट है उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, और जो स्मॉल साइज्ड प्लांट उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि स्टेम जो ट्री की होगी वो स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा थिक होगी. अब जो स्टेम श्रब्स की होंगी, मीडियम साइज्ड प्लांट की होंगी, वो कैसी होंगी? वो थिनर होंगी एज कम्पेयर टू ट्री स्ट्रंक. और जो स्टेम्स हर्ब की होंगी वो कैसी होंगी? यूजुअली वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी, टेंडर होंगी, सॉफ्ट होंगी, है ना. नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ स्टेम. क्या फंक्शन परफॉर्म करता है स्टेम? स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम, और उसे एकदम इरेक्ट रखता है, अपराइट पोजिशन पे स्टिल रखता है एकदम स्टेम. द स्टेम बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम ही वो पार्ट होता है प्लांट का जिसके ऊपर आगे की ग्रोथ जनरेट होती है, आगे की ग्रोथ होती है पौधे की. जैसे कि लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट सब कहाँ पर आते हैं? इन्हें कौन बियर करता है, इनका भार कौन उठाता है? स्टेम. ओके, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दूसरे हिस्सों तक पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट, वाटर सब कुछ कौन पहुँचाता है? रूट से लेके पहुँचाता है स्टेम. ये कैरियर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है. इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ अ कैरियर. क्या कैरी करता है ये? इट पिक्स अप ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स
minerals and water from the root section and takes them to the several parts of the plant. It also takes food made by leaves to other parts. अब एक काम ये और करता है, देखो जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट की वो क्या होती हैं, वो फूड फैक्ट्री होती हैं, प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं, प्लांट का किचन होती हैं जहाँ पूरा का पूरा खाना फूड प्रिपेयर होता है पूरे प्लांट के लिए। फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स प्रिपेयर करती हैं। तो लीव्स आर कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ अ प्लांट। अब जो खाना लीव्स ने बनाया उसको नीचे तक कौन पहुँचाता है? रूट तक कौन पहुँचाता है या फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कौन पहुँचाता है? स्टेम ही तो पहुँचाती है। सो पानी लेके नीचे से ऊपर जाना, नीचे से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को लेके ऊपर जाना और पत्तियों से खाना लेके फिर नीचे तक जाना और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाना, वो सब कौन करता है? स्टेम करती है। स्टेम ऑफ सर्टन प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ पौधों की स्टेम्स फूड भी स्टोर करती हैं, एडिबल होती हैं, वो खाने योग्य होती हैं। वी ईट दीज स्टेम्स और हम इन स्टेम्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, ये दोनों क्या है? दीज आर द स्टेम्स। ये क्या है? स्टेम्स हैं ये। ओके, ये स्टेम्स होती हैं जो हम खाते हैं। पोटैटो इज अ काइंड ऑफ स्टेम, जिंजर यानी अदरक इज अ काइंड ऑफ स्टेम विच वी ईट। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू ट्रू एंड फॉल्स गिवन इन पेज नंबर 121। फर्स्ट वन इज स्टेम ग्रोज बिलो द ग्राउंड। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए क्या स्टेम यहाँ लिखा हुआ है? इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट स्टेम ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे उगती है क्या स्टेम? ये लिखा है कि ग्राउंड के नीचे उगती है। नो, इट इज़ फॉल्स, ये गलत लिखा हुआ है। स्टेम कहाँ उगती है? इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, है ना। ट्रीज हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। ट्रीज में कैसी होती है स्टेम बताइए? सॉफ्ट और ग्रीन होती है? नो, इट्स रॉन्ग। उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है और थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और थिक होती है। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। हर्ब्स हैव अ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। अब हर्ब्स की स्टेम कैसी होती है? यहाँ पर लिखा हुआ सॉफ्ट एंड वीक। येस, इट इज ट्रू, ये सही लिखा हुआ है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का क्या फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? वाटर और मिनरल कैरी करना दूसरे हिस्सों तक, प्लांट के अनदर पार्ट्स तक पहुँचाना। इज इट ट्रू? येस, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। द स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट स्टोर्स फूड। पोटैटो का जो प्लांट होता है वो फूड को स्टोर करता है। येस, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर स्टडी इज लीफ। द लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो लीफ भी प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बताया हुआ है आपको। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स। पूरे पौधे के लिए खाना कौन प्रिपेयर करता है? यस, लीफ प्रिपेयर करती है। दस द लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का किचन होती है लीफ, उसकी फूड फैक्ट्री होती है लीफ, क्योंकि फूड वहीं पर मैन्युफैक्चर होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है? Let me tell you, by the process of photosynthesis. Okay? Here a picture is given and you can see here very finally that leaves ke bhi kuch part hote hain. Hai na? Leaf blade is given. Yahan pe dekho leaf blade dikha raha hai. Side vein dikha raha hai. Side vein hai. Main vein kaun si hai? Central mein. Central vein ko kya bolenge hum? Main vein bolenge. To ye puri ke pure jo leaf hai uska, इसको थ्री पोर्शंस पर लेबल किया गया है। थ्री पार्ट्स उसके शो किए गए हैं। वन इज लीफ प्लेट, सेकंड वन इज साइड वेन, दिस वन इज साइड वेन, साइड में है ना ये, एंड दिस वन इज मेन वेन। जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल वेन, उसे हम क्या कहेंगे? मेन वेन कहेंगे। और बेटा हर एक लीफ में कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? स्टोमेटा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? ये टेंटिनी ओपनिंग्स होते हैं इस सरफेस पे, जैसे कि बेटा हमारी बॉडी पे, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। पूरी बॉडी हमारी किससे कवर अप होती है? स्किन से कवर अप होती है। देखो स्किन में स्वेटिंग होती है ना, जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, आउटर टेम्परेचर बहुत होता है, तो हमें पसीना आता है कि नहीं आता है? यस, आता है। तो हमारा पसीना निकलता कहाँ से है? सोचिए, पोर्स से निकलता है।
हमारी बॉडी सरफेस पे, हमारे स्किन पे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सेम ऐसे ही यहाँ लीफ में भी, इसके सरफेस में भी बहुत टीनी टीनी पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. ओके, ये फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टडी अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब हम लीफ के पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. द लीफ हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो पूरा फ्लैट हिस्सा है ना, फ्लैट हिस्सा जो लीफ का है, ओपन हिस्सा है जो लीफ का, खुला हुआ हिस्सा है जो लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड. दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. द लीफ ब्लेड इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट थ्रू अ टीनी स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. तो जो लीफ ब्लेड होती है वो किससे अटैच होती है, इट इज अटैच्ड टू अ स्टेम. किससे जुड़ी हुई होती है, वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है. किस चीज़ के माध्यम से जुड़ी होती है, किस पार्ट के माध्यम से जुड़ी होती है, बाय द मीडियम ऑफ टीनी स्टॉक. छोटा सा दुबला सा एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. स्टॉक के थ्रू वो जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल. ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज पेटियोल. द थिक लाइन दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ टू इट्स टिप इज कॉल्ड द मिडरिब. एक मोटी सी लाइन जो सेंटर से जाती है, बीचों बीच जाती है हर पत्ती में. अगर मैं पत्ती यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो यू कैन सी हियर, ये क्या है, दिस वन इज द मिडरिब. सेंट्रल लाइन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज मिडरिब. ओके, इसे हम मेन वेन कहेंगे. बट इट इज कॉल्ड एज मिडरिब या तो मेन वेन कहेंगे. ओके, न्यूमरस स्मॉल लाइन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब that runs throughout the leaf are called as side veins. अब अगर मैं इसी leaves में से ऐसे numerous small line बना दूँ, ऐसे 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 lines draw कर दूँ, तो ये क्या हो जाएंगी, these are the side veins. ये क्या है, side vein. Okay, तो बहुत सारे side veins होती हैं leaves में, जो कि कहाँ से generate होती हैं, from the midrib. A leaf blade has many tiny pores on its surface. लीफ ब्लेड पे मतलब ओपन पोर्शन पे, जो लीफ का फ्लैट पोर्शन होता है ना, उसके सरफेस पे बहुत सारे टीनी टीनी पोर्स होते हैं. स्मॉल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी लीफ, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लीफ, मैक्सिमम काइंड्स ऑफ लीफ. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन पोर्स को हम क्या बोलेंगे, उन ओपनिंग्स को, टीनी ओपनिंग्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा. दे हेल्प द लीफ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये जो टिनी टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा के, इसी के थ्रू कोई भी लीफ गैसेस को एक्सचेंज करती है. ये तो हमें मालूम ही होता है, हमें मालूम है सबको ना, कि जो लीव्स होती हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनमें क्या देते हैं, दे गिव अस ऑक्सीजन इन ह्यूज अमाउंट. और हम क्या रिलीज आउट करते हैं, हमारी बॉडी क्या छोड़ती है बाहर, जब हम एक्सहेल करते हैं, हमारी बॉडी से जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, तो बाहर हम कौन सी गैस को एक्सहेल आउट करते हैं, बताइए. यस, हम एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और लीव्स क्या एक्सहेल आउट करती हैं, दे एक्सहेल आउट, दे गिव्स आउट ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन का देना और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है लीव्स, और ऑक्सीजन देती है लीव्स, तो एक्सचेंज करती है उस तरीके से गैसेस को. तो किसके थ्रू एक्सचेंज करती है, वो एक्सचेंज करती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. किसके थ्रू एक्सचेंज करती है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा, विच आर प्रेजेंट वेयर दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. द स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई द प्लांट्स. क्या काम करता है स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या लेता है अंदर, क्या अब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हम रिलीज करते हैं, हम एक्सहेल आउट करते हैं, वो प्लांट के लिए अब्जॉर्ब कर लेता है. और क्या गिव आउट करता है, क्या छोड़ता है, कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जो कि प्लांट खुद ही प्रोड्यूस करता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. A special green colored substance is present on the surface of the leaves. It is called chlorophyll. एक बहुत special substance present होता है हर एक पत्ती पे. That is green in color. किस color का होता है वो, green color का होता है. And that pigment, that substance is called as chlorophyll. उस pigment को हम क्या कहते हैं, chlorophyll. Chlorophyll की presence से ही कोई भी पौधा, कोई भी पत्ती green color की होती है. Functions of a leaf. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. लीव्स स्टोमेटा हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ.
अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग्स होती हैं दे आर ऑल्सो फाउंड अप ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. सो स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स होती हैं, जो टिनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा के जो सेल्स होते हैं, दे हेल्प्स एनी ऑफ द प्लांट टू ब्रीथ. वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं प्लांट को, लीव्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्चुअली लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इन टू द एयर दैट इज यूज बाई एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग. लीव्स कौन सी गैस रिलीज करती है एटमोसफियर पे? ऑक्सीजन. जो कौन यूज करता है? ऑक्सीजन इज यूज बाई एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग पर्पज. एनिमल्स में हम भी आते हैं, ओके? वी आर सोशल एनिमल्स. लीव्स स्टोर अ पार्ट ऑफ अ फूड दे प्रिपेयर. लीव्स क्या स्टोर करता है? कुछ कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो इडेबल लीव्स होती हैं, उन्हें हम खाते हैं. वाई? बिकॉज दे स्टोर फूड इनसाइड देम. वी ईट सच टाइप ऑफ लीव्स. कौन कौन सी लीव्स हम खाते हैं? कैबेज खाते हैं, स्पिनाच खाते हैं. सो दीज आर इडेबल लीव्स. वाई? बिकॉज दे आर स्टोरिंग फूड इनसाइड देम. ओके, नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. वो ग्रीन पिगमेंट कौन सा है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है? टेल मी. येस, दिस इज क्लोरोफिल. द फ्लैट एंड ब्रॉड सर्फेस ऑफ अ लीफ. क्या बोलते हैं हम फ्लैट और ब्रॉड सर्फेस ऑफ अ लीफ को? लीव के जो फ्लैट हिस्सा होता है, जो अपर सर्फेस होता है, ब्रॉड सर्फेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. किचन ऑफ द प्लांट क्या होता है? कौन सा पार्ट किचन कहलाता है? ऑफकोर्स दैट इज लीफ और लीव्स. उसे हम और क्या बोलेंगे? लीव्स या तो लीफ. नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीव्स. लीव के सर्फेस पे, ऊपरी सतह पे जो छोटे छोटे टीनी टीनी पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. द नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. वो नेटवर्क लाइन का, रेखाओं का, जो कि लीव के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज रिब्स. एक्चुअली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेन्स. उन्हें हम मिड रिब कह सकते हैं, साइड वेन कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर. फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. किसी भी प्लांट का सबसे सुंदर पोर्शन कौन सा होता है? सुंदर पार्ट कौन सा होता है? द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, दैट इज फ्लावर. फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड फ्रेग्रेंस. फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट शेप वी कैन सी दैट ना, तो हम देख सकते हैं. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर इन द वर्ल्ड. डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आर देयर. सब फ्लावर के शेप्स, साइजेस, कलर, फ्रेग्रेंस सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. वट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेग्रेंस हियर? खुशबू. द ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर द पेटल्स. अब जो फ्लावर की जो ये पत्तियाँ होती हैं ना, कलरफुल पत्तियाँ जो पोर्शंस होती हैं, हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज पेटल्स. कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर और द कलरफुल पोर्शन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेटल्स. अ फ्लावर ऑल्सो हैज सर्टन ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर. दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स ऑफ अ फ्लावर. हर एक पौधे पे, हर एक फ्लावर में दो तरह की लीव्स यू कैन सी. यू कैन सी टू काइंड ऑफ लीव. सपोज दैट दिस इज लोटस. अब लोटस में जो अपर पोर्शन जो पिंक कलर का दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पेटल्स. दैट दे आर कॉल्ड एज पेटल्स. और नीचे ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगी होंगी, तीन लगभग, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स. उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेपल्स. सो ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होंगी, लीव प्रेजेंट होंगी, पोर्शन होंगी फ्लावर की, दैट विल बी कॉल्ड एज सेपल्स. एंड द कलरफुल पोर्शन ऑफ दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेटल्स. फंक्शंस ऑफ फ्लावर. क्या होता है फंक्शन फ्लावर का? लेट अस सी. फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स. फ्लावर आगे चल के क्या बन जाते हैं? फ्रूट्स बन जाते हैं. उनकी जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है? फ्रूट्स बन जाती है. फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर. फ्लावर्स से ही हनी बीज को और बटरफ्लाइज को अपना खाना मिलता है. वो क्या सक करती हैं? फ्लावर का जूस सक करती हैं. उसे हम क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं. द स्वीट जूस विच आर प्रेजेंट इन साइड द फ्लावर आर कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज नेक्टर. ओके, फिल द ब्लैंक्स. द डैश आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. कलरफुल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कलरफुल पार्ट को फ्लावर के हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पेटल्स. द सेपल्स आर द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. और ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं बॉटम में किसी भी फ्लावर के, उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेपल्स. थर्ड वन, फ्लावर प्रोवाइड्स नेक्टर टू द बीज एंड
बटरफ्लाइज. नेक्टर कहाँ से मिलता है बीज और बटरफ्लाई को? विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स ओनली. सो इन द ब्लैंक व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट नेक्टर. नेक्टर ये तो फूड, दोनों करेक्ट है ऑप्शन. देन डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. सबसे सुंदर सा पोर्शन कौन सा होता है, सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा होता है किसी भी प्लांट का? दैट इज फ्लावर. फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स. फ्लावर आगे चल के क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है. नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड सीड्स. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्रूट एंड सीड्स. फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं. फ्लावर्स आर मोस्ट ऑफ फ्लावर्स ऑफ मोस्ट द प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स. बहुत सारे फ्लावर्स मैक्सिमम प्लांट्स के किस में कन्वर्ट होते हैं आगे चल के? दे कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स. वो क्या बन जाते हैं आगे? फ्रूट्स बन जाते हैं. फ्रूट्स आर द फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स किसी भी प्लांट के फ्लैशी पार्ट होते हैं जो इडेबल होते हैं. मैक्सिमम फ्रूट्स आर इडेबल. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी यूजली ईट. ये प्लांट के वो हिस्से होते हैं जो यूजली हम खाते हैं, आमतौर पर उन्हें खाया जाता है. फ्रूट्स कवर एंड प्रोटेक्ट द सीड ऑफ द प्लांट. फ्रूट अंदर क्या कंटेन करता है अपने? इट कंटेन्स सीड इन साइड दम. के फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं. और ये सीड कहाँ होते हैं? इन साइड द फ्रूट. तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, कौन बचा के रखता है आउटर डेंजर से? द फ्लैशी पोर्शन ऑफ द फ्रूट. ओके, सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. कुछ फ्रूट्स में सिर्फ एक ही सीड होता है, जैसे कि मैंगो, एप्रिकॉट. और सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन. दिस फ्रूट्स कंटेन्स मैनी सीड्स. इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज टमाटो. ओके, सीड्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. सीड्स भी, बीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं किसी भी प्लांट के. सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. क्यों होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि नए पौधे को जन्म दे सकते हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी ईटन एंड दे आर कॉल्ड एज इडेबल सीड्स. कुछ पौधों के, कुछ प्लांट्स के सीड्स को हम खाते हैं, डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं, खाते हैं हम उनको. दे आर कॉल्ड एज इडेबल सीड्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज इडेबल सीड्स. उन्हें हम इडेबल सीड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ आलमंड्स, ग्राउंडनट एंड कोकोनट. देखो, जो आलमंड होता है आप डायरेक्टली खा लेते हैं. मम्मा देती है ना आलमंड अर्ली मॉर्निंग, रोज़ सुबह देती हैं बादाम खाने के लिए. तो आप डायरेक्टली खा लेते हैं ना उसको, कि आप उसको पहले कुक करते हैं, आप रॉ ही खा लेते हैं उसको, है ना? तो वो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं. ग्राउंड नट भी आप ऐसे ही खा लेते हैं, डायरेक्टली आप खा लेते हैं. कोकोनट भी आप डायरेक्टली खा लेते हैं. तो ये इडेबल सीड्स हैं. दीज आर द इडेबल सीड्स बिकॉज डायरेक्टली हम इसे खा सकते हैं और कंज्यूम करते हैं. द सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स कैन नॉट बी ईटन. और कुछ पौधों के, जो कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं, उन्हें हम नहीं खाते, उन्हें खा सकते हैं. दे आर कॉल्ड इन एडेबल सीड्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? इन एडेबल सीड्स कहते हैं. जो नहीं खा सकते हम डायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन एडेबल. डायरेक्टली क्या, हम खा ही नहीं सकते, वो कंज्यूम नहीं किए जाते. फॉर एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मैंगो, चेरी, एप्रिकॉट. क्या कभी हम इनके बीज खाते हैं? कभी नहीं खाते हैं, इन्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं. सो सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मैंगो, चेरी एंड एप्रिकॉट, ये कैसे सीड्स हैं? दीज आर इन एडिबल सीड्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल योर चैप्टर रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. कितना फ्रूटफुल, कितना नॉलेजबल, नॉलेजफुल चैप्टर था, इजंट इट? इट वॉज ना. चलिए, इंजॉय करिए चैप्टर, फिर से सुनिए प्रॉपरली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस.